con được khoảng tầm 100, hai vợ chồng thôi vậy được rồi hơn. Hai vợ chồng tính ra thì cũng chỉ được 300-400 một ngày. फिर उसके बाद ये जो चीज मिली है ना, इसको कॉटन आपको हेयर पैक नहीं यूज करना, क्योंकि पैक लगाने के बाद हम नॉर्मली जब हमारे बालों को वॉश करते हैं ना, बहुत ज्यादा फिंगर से हम अपने बालों को वॉश करते हैं जिससे हमारे बाल झड़ना बढ़ जाता है। ये ना आपको बनाने में टाइम लगेगा, ना अप्लाई करने में टाइम लगेगा, ना वॉश करने में किसी दिक्कत होगी। बहुत ही हल्के हाथों से जितना मोटे ही उतना आसान है अपने जड़ों जड़ों पे, जहाँ जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है। और अगर आपने इसको डर्मा रोलिंग करने के बाद लगाया है ना, आपकी बालों की लेंथ इतनी बढ़ती जाएगी, अल्लाह के सिवा वो आपकी बालों की लेंथ को कोई नहीं रोक पाएगा, इतना आप यकीन करें। डर्मा रोलिंग जो है हफ्ते में एक बार करें, 0.5 mm की नीडल से, या मैक्सिमम 1-10 days में एक बार करें, लेकिन करें अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये अगर करने के बाद आपने प्याज का रस लगा लिया ना, मतलब आप जो वो हम PRPs लेते हैं वो, या जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो, हेयर ट्रांसप्लांटेशन से अच्छा आपको इस तरह बस आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, एक ही रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको लेके आप अच्छी तरीके से अपने बालों में लगा लीजिएगा, जिसका जो सल्फर है ना, सल्फर ये आपकी हेयर थिनिंग, हेयर ब्रेकेज, हेयर लॉस सबको प्रिवेंट करता है, सबको रिड्यूस करता है। और आपके बालों का झड़ना तो ये मतलब इतना रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन उसको और पावरफुल बनाने के लिए हमने इसमें करी जो डाला है, इसमें है प्रोटीन और बीटा कैरोटीन और है एंटीऑक्सीडेंट। ये तीन चीज जो है ना, ये आपके बालों की झड़ने को, आपकी जो जड़ है ना उसको पकड़ लेती है, आपके बाल जो अपनी जड़ों को पकड़ लेती है, आपके बाल में झड़ते नहीं है। प्याज का रस से आपको हेयर ग्रोथ ज्यादा मिलती है, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को नरिश करता है, आपके जड़ों में जाके उसको वो नरिशमेंट देता है जो हम ना डाइट से दे पाते हैं, ना उसको ख्याल करके दे पाते हैं। वो पोषण देता है जो उसकी जो बढ़ने में उसको चाहिए, वो प्याज के रस में है। तो इसीलिए आप उसको लगाते हो तो आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्याज के रस से आपको मिलता है वॉल्यूम, घनापन मिलता है आपके बालों में, क्योंकि इसमें एक खासियत है, न्यू हेयर फॉलिकल्स जनरेट करना। और अगर आपकी बालों की जड़ ऑलरेडी मतलब थी कहीं पे, लेकिन अभी वहां पे बाल हो की ग्रोथ हो नहीं रही है, तो उसको रीजनरेट करवाना ये पॉसिबल होता है प्याज के रस से। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, वेट करो कम से कम आधे घंटे के लिए आप वेट करो, और फिर उसके बाद आप अपने बालों को वॉश करो। तो इसको डेली डेली करो, लेकिन डेली में शैम्पू मत करो, 2-3 दिन में एक बार शैम्पू करो। अगर आपको ये बॉडी नहीं करती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर कर रही है तो हफ्ते में 3 बार करो और शैम्पू करो, लेकिन एकदम माइल्ड शैम्पू यूज करो, क्योंकि शैम्पू से भी हेयर फॉल होते हैं। ठीक है, तो शैम्पू यूज करो। और दूसरी चीज जो मैं आपको कहूंगी कि अगर आप अपनी बालों की लेंथ को बढ़ाना चाहते हो, अपने बालों का झड़ना रोकना चाहते हो और एकदम बालों में घनापन चाहते हो, तो एक और चीज आपको ऐड करनी है, वो है मेथी। मेथी को आप कैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान, सबसे ऐसा तरीका बता रही हूँ कि आपको रिजल्ट भी जल्दी मिले, अच्छा मिले और आपको दिक्कत भी ना हो, तो मेथी को आप तेल में डाल के यूज करो। थोड़ा सा मेथी लीजिए, उसको हल्का सा भून लेना, ज्यादा नहीं, एकदम हल्का सा माइल्ड या भून लीजिए, और फिर उसको आप मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरीके से बारीक पीस लीजिए, जितना बारीक हो सके। अगर आप ये सारी चीजें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, या आप ये सारे काम से नहीं करना चाहते, तो सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूंगी कि आप स्वीटनेस का सबसे बेस्ट क्वालिटी का मेथी पाउडर आता है। मैंने बहुत सारे पाउडर्स देखे गाइस, लेकिन मुझे आप स्वीटनेस के जो पाउडर्स है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के लगते हैं, इसलिए मैं आपको ये हमेशा रिकमेंड करती हूँ। और इस बार भी करूंगी, क्योंकि आपके बालों की बात है, मैं आपको चाहती हूँ कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज करो आपके बालों के लिए, वो गुड क्वालिटी के हो, बेस्ट क्वालिटी के हो। तो आप स्वीटनेस का ये मेथी एकदम एकदम बेस्ट मेथी पाउडर, एकदम प्योर, जैसे घर का बनाया होगा ना, बिल्कुल। अगर आप तापमान से बचना चाहते हो तो ये मेथी पाउडर जरूर यूज करना, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मेथी पाउडर आपको लेना है, और फिर आपको इसको ना भूनना है, ना ऑयल बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका ऑयल जो आप लगाते हो, नहीं लगाते होंगे तो लो नया ऑयल, लो परचेज करो, स्पेशली जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो ले लो, सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा वो कोई नहीं होता है आपके बालों के लिए।
वो लो और ये मेथी पाउडर को इसमें डाल दो और भी इससे अच्छे रिजल्ट आप चाहते हो ना तो मैं आपको दो इंग्रेडिएंट बोलूंगी, अगर आपसे पॉसिबल है तो ये दो प्लीज डाल दो, नहीं पॉसिबल है तो मेथी इज इनफ, लेकिन फिर भी अगर आप बालों को एकदम घना घना जंगल बनाना चाहते हो तो और दो चीज आपको डालनी है, वो है करी लीफ को आप सुखा के उसका पाउडर बना सकते हो, ये अगेन आप तामझाम नहीं करना चाहते हो तो एकदम घर के जैसा पाउडर एल्स गुडनेस का करी लीफ कड़ी पत्ते का पाउडर भी आता है, रेडीमेड पाउडर है और इसके जो मेथी पाउडर है ना इसके साथ में इसको डाल दो, ये दो चीज आपने डाली, इस सारी चीजों को आप बंद करके ना धूप में रख के छोड़ दीजिए, धूप में रखे क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, धूप आपको आराम से मिल जाएगी, एक महीने का काम आपका एक हफ्ते में हो जाएगा, हफ्ते भर के लिए इसे आप इसको छोड़ दीजिए, दो से तीन दिन के बाद भी आप इसको खैर यूज करना शुरू कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एक बार आपने इसको धूप में रख दिया उसके बाद में रात में इसको निकालना ना भूले धूप से, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज, ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मैं आपको और कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ लास्ट है, ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, दिस इज अगेन अ मैजिक पोशन टू योर हेयर, ये आपकी वॉल्यूम लेंथ आपके स्कैल्प के सब ट्रीटमेंट्स जो भी होते हो सब के लिए, आपकी बालों की कोई भी प्रॉब्लम के लिए गाइस रोजमेरी करके रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी आता है आप वो भी यूज कर सकते हो, उसमें कम से कम 15-20 ml जो एसेंशियल ऑयल होती है वो पूरा आप इसमें पलटी कर दीजिए, ठीक है, एक बॉटल इसमें डाल दीजिए, आप इसको डेली थोड़ा सा ऑयल दीजिए और उसको अपने सर पे मैं आपको बोल रही हूँ 4-6 हफ्ता आपका बालों का झड़ना जो है उसके लिए मैं आपको एक ही हफ्ता बोल रही हूँ, ज्यादा भी नहीं बोल रही हूँ, एक हफ्ता कर लीजिए, लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए प्लीज इतना कर लीजिए, कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कीजिए, ये मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करो और फिर उसके बाद में अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती ना मुझसे आके पर्सनली मिलो, आप देखना चाहूंगी ऐसा क्या है यार आपके बाल में आपकी जड़ में जो हो ही नहीं रही है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे जो आपके मेडिकल साइंस है वो सब कुछ जो है वो धरे रह जाएगी अगर आप इस सिंपल सी होम रेमेडी अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, मेरा दावा है एकदम आपको मैजिकल चीज आपको मैंने आज बताई है, तो चाहे हेयर फॉल से, हेयर लॉस से, गंजेपन से, हेयर थिनिंग से, एलोपेशिया से अगर आप परेशान हो, जो भी हो उसको लेके वो जगह पे थोड़ा सा आपको ऑयल अप्लाई करना है, अच्छी तरीके से वो जगह पे मसाज करनी है, और ऑयल अप्लाई करने से पहले अगर आप डर्मा रोलिंग कर पाओगे तो अगेन बेस्ट होगा आपके लिए, दोनों में से कोई एक में डर्मा रोलिंग करना, बार बार डर्मा रोलिंग नहीं करना, हफ्ते में 10 दोनों का कॉम्बिनेशन करके करो, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके बालों का झड़ना करो कि कहीं न्यू हेयर ग्रोथ एकदम मोटे मोटे आपको लंबे लंबे बाल मिलेंगे, और हाँ अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरी जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा वॉल्यूमिनस क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो चीज होती है ना पता होने से कुछ नहीं होता, इसको लगाना तो पड़ता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मतलब बहुत सारी चीजें खास शौक है, लेकिन अगर आप ये सारी चीजों की बाकी में रिजल्ट चाहते हो तो प्लीज इसको फॉलो करो, पहले से मैंने अपने ऊपर ट्राई टेस्ट नहीं की है लेकिन मेरे घर वालों के पास बहुत टाइम है, वो लोग सारी चीजें टेस्ट करते हैं और इसमें सबसे बेस्ट जिसका रिजल्ट मिला वो कॉम्बिनेशन मैंने आपके साथ में शेयर किया है, वो है प्याज का रस, मेथी, करी लीफ, और अगर आप ऑयल बनाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा ऑयल दे सकते हो, बस ये चार चीजों की आप गांठ बांधो फॉलो करने वाले हो, मेरे जितने भी मेरे पूरे यूट्यूब करियर में मैंने जितने सारे जो मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किए सबका तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप इसको ट्राई करने वाले हो, और क्योंकि नॉर्मली के तो इंसान मोटा होते रहता है पतला होते रहते तो उसको समझ में नहीं आता, जो बहुत दिनों के बाद उसको देखता है तो उसको समझ में आता है, राइट, तो कि आप मोटे हो गए हो आप पतले हो गए हो, हम डेली खुद को देखते रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, उसी तरह से आपके बाल का ग्रोथ हो रहा होगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिफोर पिक्चर लेना, एक आफ्टर पिक्चर लेना और उसको अपने पास रखना, पॉसिबल होगा तो मेरे साथ शेयर भी कर देना राबिया खान पे, ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर शेयर करना, धीरे धीरे जो आपको रिजल्ट्स मिलता है वो भी शेयर करना, फिलहाल आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। Thông thường thấy tiền bất minh trả lại ngay, không đem về nhà cất như ông Chu Ngọc Anh dùng đó là bận quá không có thời gian đưa trả. Ông Chu Ngọc Anh ở không phận Duy Tiến còn tự xa một người dân bình thường, đó là chồng vợ, người hát sự phòng thắng, sự kế toán trưởng CDC Nghệ An.